विचारधारा जो है देश के लिए उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को ध्यान रखना नहीं है। अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो, एलओपी नंबर एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, यील्डेड 400 पार भाई, तुम तो डूब गए अब तो उसमें। तो ये स्लोगन है और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। शक्ति सिंह, आई फाइंड आफ्टर सर, टेक योर सीट। शक्ति सिंह, नथिंग विल गो, वन सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है। ऐसा खेल खेला जा रहा है, उनका मंगलसूत्र उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। और आइडेंटिकेट क्या हो, तो अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बाय प्रमोद तिवारी। व्हाट डज ही मीन बाय माइक बंद कर दिया? नहीं मैम, ये बंद करना है क्या? यदि यही ऑप्टिक्स करनी है तो करते ही है। आप सुनना, मेरे को वोट बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं, शालीनता रखिए। देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, उनके कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही, और यहाँ तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता हूं, आप निकाल दीजिए। एक सेकंड। माननीय खड़गे जी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि प्रतिपक्ष के सामान्य नेता के अलावा भी आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपने जो अभी कहा कि नाम भी ले दिया और कहा कि नाम मत लीजिए, विड्रॉ कर दो। I think it calls for regret. I express my regret that such an observation has been imparted in this august house. Please continue. No, Pramod Tiwari ji, the honorable LOP himself has felt it. Please, it is regrettable. I am using mild word. Or. कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहाँ बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कंटिन्यू। सभापति जी, अभी भी सामाजिक न्याय के विपरीत मानसिकता वाले लोग
मौजूद है। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकना जरूरी है और इसके लिए हम सबको भी मेहनत करना पड़ेगा। सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में है, ऐसी पार्टी भी सदन में है। इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सर, सभापति जी, बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है, पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था। और आज, और डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोक कर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। लेकिन मैं, अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में, सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं ऐसा करते हो?
और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी। सर मैं अभी स्टूडेंट था उस वक्त, हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेता जी सुनिए, देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू, नो प्लीज नो, किसी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो, एलओपी नंबर एक, लीडर ऑफ द अपोजिशन, अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, यील्डेड टू सी व्हाट द चेयरमैन हैज टू से एंड हिज मेंबर्स आर अप ऑन द सीट। कहां जा रहे हैं? प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, मैंने शक्ति सिंह, आई मे हैव टू नेम यू, योर सीनियर लीडर्स आर प्रेजेंट हियर, एलओपी इन हिज विजडम हैज यील्डेड एज टू व्हाट द चेयरमैन हैज सेड। You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaging? Honorable members, I had the distinguished honor at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there. I saw the location. I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situational location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore, this has been done. Criticism, for the sake of criticism, can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking. Shakti Singh, perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP when again. May I request the LOP to control his people first? They are under your control. Under my control. I'll do outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. Okay. और ये पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द है. प्रधानमंत्री जी ने सर, वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना, ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2,000-3,000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे? नहीं, सुनिए,
तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई। अभी वहां उस वक्त इनो नहीं थे, उस वक्त तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी। सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़ के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए। और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, एक दरवाजे से आते हैं दूसरे दरवाजे से उधर चले। अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए। ये साहब मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, ए चुप बैठो, क्या भाई ये दही दूध एलओपी इज ऑन इट नहीं है भाई, कीप काम, कीप काम सर। तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील कर बार बार अपील करूंगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो, अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ SC ST दलित वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वो आप वहाँ पर रखिए। और सर मैं छोटा सा सर, नहीं ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए कमेटी होती है, और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं, और किस जगह पे बिठाना कैसे बगैर वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं कुछ नहीं, ये अथॉरिटी एंड रूल के जैसा, कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिनिस्टर के जी, वन सेकंड, इट हैपेंड, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। ये खड़गे जी, व्हाट इज इट, कम ऑन, कम ऑन, मेक योर पॉइंट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, नथिंग एज यू गोइंग टू, ये किरण जी कंटिन्यू कंटिन्यू सर, जब देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें एक सेकंड, देयर इज नो बैक डोर एंट्री इन पार्लियामेंट। इफ यू लुक एट द बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज बीन सो डिजाइंड दैट देयर इज नो बैक डोर एंट्री। ठीक है, देखिए देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोर्शन, आप लेट अस हियर, जो स्टैचू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाते हैं। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि उनको ये कमेटी के बारे में मालूम नहीं है। अब पढ़ के देख कर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर ये तो मैं आपसे बार बार विनंती करूँगा। सर प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स,
पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए, अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए 400 पार, भाई तुम तो डूब गए अब तो उसमें, चलो तो ये स्लोगन है। और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है, सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे, एक दिन तो जाकर आप आए मणिपुर को, जाके आए आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं पहुंचे। और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए, किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गई। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से, कभी घमंड मत करना, नाम नाम, कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है, अभी बड़े मुश्किल से आए। तो अरे बैठो, मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है, देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं, और वो ये बात करते करते यहां तक पहुंचे अपना काम करना ही वो भूल गए
सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आज के मुद्दों का जवाब दो, इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है, उन पर छोड़ दीजिए। आपके बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्यारा 26 में कहा है, क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिश से रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है, अपने राजनीतिक जीवन में कहीं चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म राजनीति राज और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात पहले किया नहीं। पूरे विश्व में हमारी साख पर इसका बुरा असर हुआ। मोदी जी तो आप लोग उनको विश्व गुरु बनाया, अच्छा नहीं विश्व गुरु नहीं बोलता मैं, जो बोले वो लोग बोलते, विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है, वो क्या विश्व गुरु थे, क्या क्या थे वो? अच्छा सर, आप जैसा व्यक्तित्व है इस प्रकार, छोड़िए सर, छोड़िए, नहीं नहीं ऐसा नहीं। फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिग्रेटेड, फ्रांस, आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, मोदी अक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। थर्ड, CNN ने कहा, मोदी जीज मुस्लिम रिमार्क्स स्पार्क हेट स्पीच एक्यूजेशन एज इंडियाज मैमोंथ इलेक्शन डीपन्स डिवाइड। अल अजीर ने ये कहा, इन्फिल्ट्रेटर्स मोदी अक्यूज्ड ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच एंड इंडिया इलेक्शन। देन गार्डियन ने कहा, नरेंद्र मोदी अक्यूज्ड ऑफ सटायरिंग टेंशंस एज वोटिंग इन इंडिया कंटिन्यूज। हाल में कुछ अखबारों में तो यहां तक आया कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वंस करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे, अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए सर, आप बड़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो ये बातें रखी चुनाव में, ये बहुत ही नफरत की बातें थी, और उसीलिए तो मैं आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूँ। चुनाव में जो कुछ कहा गया उसे लोगों ने ये समझा कि 10 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्माद फैलाने वाली बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं। सभापति जी,
कुर्सी कायम रहती है, कुर्सी कायम रहती है, सत्ता आती है और जाती है, पर सत्ता के लालच में देश को बांटने, जनता को गुमराह करने और बात बात पर झूठ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, और ये मोदी साहब कर रहे हैं। सर, मेरे पास चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण किए हैं, कैसे कैसे ये है, मैं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 200 तक उनके स्पीचेस, कहाँ कैसा बोले क्या बोले है, पर आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। सर, और एक मोदी जी के 3 बयान मैं कोट करना चाहूँगा। अनुरोध है कि आप उन्हें प्रोसीडिंग में बनाए रखेंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके नहीं, अध्यक्ष जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिन 3 बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं सर, एक प्लीज, कैन यू प्लीज कीप साइलेंस, आई एम हैविंग डायलॉग विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, मेरा ये कहना है कि जो मेरे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि उन 3 भाषणों के अंश को प्रोसीडिंग्स में रखा जाए, आप जारी रखिए। भाषण कब दिया, कहाँ दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को। बस प्लीज गो अहेड, कोई इशू नहीं है, और ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग कोर्स, नो, लीडर ऑफ द पोजिशन इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ, प्लीज, नो 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 नो, नथिंग विल गो रिकॉर्ड। ये क्या कर रहे हैं, शक्ति सिंह, आई फाइंड आफ्टर, सर टेक योर सीट, शक्ति सिंह सारा झूठ बोलते हैं, उसको नहीं और मेरे नेता को ऑथेंटिकेशन, नथिंग विल गो। वन सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, व्हाट अ शेम फॉर अस दैट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस इज सो जेस्टिकुलेटिंग, द लीडरशिप मस्ट कंट्रोल हिम, ही नीड्स टू शो डेकोरम, His leader is on legs. His leader has full command. He can protect himself. Why? Again? Control. Khadge ji. Kam se kam unko control kijiye. Haan. Khadge ji. Dekho, maine usi liye aap hamesha authenticate karne ke liye kehte ho. इसीलिए ये पूरे कटिंग्स में लाया हूँ। अगर आपको है कटिंग नहीं, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी, नहीं, नहीं 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 सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे है। ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड। साहब, बैठना उठना मेरे को तकलीफ है, सो दैट यू कैन टेक। Honorable members, it is not without purpose that in this house I had firmly indicated that this is not a place for free fall of information. Every member of the house has full authority to express anything. Every member has a right of freedom which is constitutionally protected, but that freedom comes with the rider. Whatever the member says, that has to be authenticated. A newspaper reporting is not authentication. No, primary material. Suppose something is reported about. One second. Mr. Chidambaram, you are yet to respond. The matter is under my consideration. One second, let Mr. Chidambaram have a say for a moment. Because his matter is pending with me. He has failed to authenticate a very important issue. How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. How else does he authenticate? I'll tell you. Mr. Chidambaram is a distinguished senior advocate. I have been one myself. Let me tell you,
you came to my chamber, you are forcing me now. You came to my chamber when a communication was sent to you because you took a snapshot at the Prime Minister, putting a video clip. I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I said, you are a lawyer, distinguished lawyer, get assistance of another lawyer. The law is very clear. It is a primary material. No. One is on your by side. Khadgeji, I would urge you, taking note of your stature, please, nothing will go on record, Chairman. I'm asking a basic question. No. Chidambaram ji, you every time rise only to make a point so that you can hit the headlines. Nothing will go on record. No. Nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, no, Mr. Chidambaram, no. No, no. You must conduct yourself consistent with your stature. No. I have already ruled in this house. My ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. Look behind. The front row must look behind what their members are gesticulating. Shame on us. No, sir. This conduct is ignoble. Authentication karne ka bahut se tarike. Aap aisa kijiye sir. Aap apni baat kahiye aur phir chamber mein apni baat karenge. I don't want to see that your address is so interpreted even from your own side. मेरे को कोई चैम्बर में काम नहीं आपसे. उनका दिखता ना आपके लिए. चिदंबर साहब के लिए बोले. चिदंबर साहब अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं. अब तक नहीं दे पाए हैं. एक साल से उस बात को पेंडिंग रखा है मैंने. No, sir. You are yet to do it. देखिए वो बात में की बात मैं जो रख रहा हूँ इसके आधार पर आप बहुत से पेपर को भी जरा अच्छे समझते हैं. कौन सा पेपर? वो तो चौकम बग ऑल पेपर्स न्यूज पेपर्स. नो. I'm so sorry. टीवी न्यूज पेपर पेपर जो वीडियो इसको सब समझते हैं ना. I'm so ठीक है. I'm so sorry. देखिए और From क्या this chair, I cannot allow this lawlessness. एक कांग्रेस के लोग appearing chair about anyone? संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? किसने कहा? मोदी जी ने कहा. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? माताओं बहनों. सो सर आगे कहेंगे. ये साहब ये तो उनके शब्द हैं. जिस शब्दों को इन्होंने इतना पूजा करते हैं तो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ. सर कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा. माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और बांट देंगे. सर दूसरा इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है. ऐसा खेल खेला जा रहा है. उनका मंगलसूत्र उस पर भी इनकी नजर है. ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है. इसका उत्तर मैं दे रहा हूं. और अटेंडिकेट क्या हो और आगे आपने और भी कहे. अरे बहुत से मेरे पास उदाहरण. आप उठ भी नहीं सकते. अरे आपको उनको तो रोकिए. चलो मैं इधर करता हूँ. पीछे तो देखिए सर. अगर देखिए पहले देखो और एक बात. उन्होंने इंसल्ट किया वोटर को, इंसल्ट किया कांग्रेस को, इंसल्ट किया आरजेडी को, किया एसपी को, किया हर पार्टी जो गठबंधन के लोग थे. इवन टीएमसी के बारे में भी उन्होंने क्या कहा इसमें मैं बताता हूँ. तो अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो.
अगर इनको अपने वोट बैंक के साथ मुजरा करना है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, पहले उनको तो बैठाइए। प्लीज आई अर्ज एवरी मेंबर टू टेक हिज और हर सीट। सर देखिए, आपको सुनना ही नहीं चाहते तो वो आपके लोग आपको नहीं सुनना चाहते। नहीं सुनिए सर, आखिरी में क्या बोले, अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करे। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, मैच्योर लीडर प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं बोल नहीं करते, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। चलिए जी, चलिए जी, सुना। शक्ति सिंह, यू आर फोर्सिंग मी। खड़गे जी, मेरा एक सेकेंड, प्लीज, यू आर चीफ विप। नीरज शेखर, it is not a wise step to follow Shakti Singh is on a wrong path. No one can approve what he is doing. If you look at the video, that will show him as if, what a shameful scenario. Sir, I urge you, your address, one second, sir. नहीं सर, यू आर एड्रेसिंग मी, दैट्स गुड, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। और मेरा अनुरोध है आपसे, नहीं कृपा करके आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट बाय प्रमोद तिवारी। व्हाट डज ही मीन बाय माइक बंद कर दिया? नहीं मैम, ये बंद करना है क्या? यदि यही ऑप्टिक्स करनी है तो करते रहिए, बंद कहां करना है? ये ऑटोमेटिक है। व्हाट इज दिस? वी कांट अंडरस्टैंड सिंपल टेक्नोलॉजी। खड़गे जी, सुनिए मेरी बात है। खड़गे जी, इस माइक को बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है।
कर एक बार मेरी बात आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर बाकी क्या सुनेंगे। मेरा ये कहना है इस प्रकार की भ्रांति जो फैलाते हैं ना और पार्लियामेंट को कलंकित करते हैं, टेंटिंग, टार्निशिंग, डिमिनिशिंग, डिमिनिंग आवर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ माइक बंद होता है क्या? कितना बोलने दे जा रहा है? डू वी सेंड अ सिग्नल हियर कि माइक बंद हो रहा है? मैम, मिस्टर खड़गे, यू नो इट, इट इज मैकेनिकली कंट्रोल्ड। आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है और इतना उत्साही हो रहा है ये कोई तरीका नहीं है। बदलाव मैं देख रहा हूँ। खड़गे जी, क्या आप मानते हैं कि माइक बंद होता है यहाँ? चलिए प्लीज खड़गे जी, अनुरोध है आप शालीनता। थैंक यू, धन्यवाद। जब मैं बोलता हूँ ना तो माइक किसी का चालू नहीं रहता, ये क्लियर है, ये कंसेप्ट है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आपका 54 साल का अनुभव है, आप प्रतिपक्ष के नेता प्रांत में रहे हैं, लोकसभा में रहे, यहाँ रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। आपसे औरों को सीखने की आवश्यकता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, शक्ति सिंह, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ शक्ति सिंह? कैन समवन फाइंड आउट और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस फॉर हिम? ही हैज नो रेस्पेक्ट फॉर एनीवन। यू आर इंसल्टिंग योर एलओपी सो सीरियसली, यू आर टेकिंग एलओपी टू बी नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ हिज पोजिशन। व्हाई इंसल्ट द एलओपी? एक मिनट, ही कैन डू इट ऑन हिज ओन। सर, थ्री ऑफ यू राइट टू सेव हिम, अगर ही हैज टू सेव ऑल ऑफ यू। ये जो प्लीज कीप दैट। अच्छा सर, एक अनुरोध, आप सुनना, मेरे को वोट बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं, शालीनता रखिए। कम ऑन मिस्टर खड़गे, विल टेक द फ्लोर नाउ, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज एड्रेस द हाउस। बैठिए, सर, आई एम श्योर दे विल ऑब्जर्व साइलेंस। सर, प्लीज एड्रेस द हाउस। ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं, मोती, हाँ वो जो आए, वो मैंने, मैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद पूरा पढ़ूंगा। सर, अक्सर सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। फिर आप देखो साहब, मेरा क्या है, रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है, उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी,
इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए और कुछ नहीं होता, सच है और झूठ को सब झूठ की मुझे दुख होगा बोलना पड़ेगा। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए, राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कैस्ट आवर कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है, क्या कैस्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज बांटने की समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा, लेकिन ये चीज़ें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिसेस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हराश करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं, सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो बॉन्ड्स, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो ले और कॉन्ट्रैक्ट बिल सभी, वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन गिन के, बुला बुला के, डरा डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना इल्लीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल साढ़े 3 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच निकले बोलने वालों को टारगेट करा। ये संविधान का अपमान नहीं,
और क्या है खड़गे जी लीडर ऑफ द हाउस नो नो लीडर ऑफ द हाउस इफ यू ये देखो साहब मैं अब बात कर रहा हूँ ये क्या है अभी मैं आई नेवर यील्डेड खड़गे जी देखिए एक जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया ये संविधान का अपमान है इंडिया गठबंधन माय सजेशन इज फॉर योर कंसीडरेशन माय सजेशन फॉर योर कंसीडरेशन माय सजेशन फॉर योर काइंड कंसीडरेशन द हाउस इज हियरिंग यू If leader of the house wants to make an intervention, practice is normally it is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from their side and you will rise, no. If you will say, I have been giving you the Mr. Shakti Singh Gohil. Sir, my. You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. Okay, sir. Shakti Singh, mera ek to. I will name you next time if you like. Dekhiye. I will name you. Do char din unke. I don't want to do it. Jo bhi ye the documents the, sabhi the. Main laake यहाँ पर आपके सामने पेश करूँ काइंडली अलाउ मी नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे आप उनको परमिशन देंगे एक बात तो... कहना चाहते कहने दीजिए लीडर ऑफ द हाउस कहने दीजिए ये क्या है सर हम जब इंटरफियर करते हैं आई विश तो करने नहीं देते सर आई विश आई कुड बी प्रूव्ड रॉन्ग बट अबाउट माई ईयर्स हर्ड वॉज दैट अगले 3.5 साल इट वॉज एन एस्पर्शन ऑन द चेयर दैट अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन दिस कैनॉट बी टेकन लाइटली इफ द वर्ड इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द LOP इज दिस दैट अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट देर इज एन एस्पर्शन That for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. Number two. Isliye, Chairman Saab, I respect the LOP. I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. I think you are a new member. विकास भट्टाचार्य जी आई हैव गिवन हिम द फ्लोर सिट डाउन सर सर सिट डाउन सर 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 सिट डाउन लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंटिन्यू सर आई रिस्पेक्ट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन बट आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट प्रूविंग योर पॉइंट शुड नॉट गो बियॉन्ड द नॉर्म्स ऑफ द हाउस And raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है, सर, मैं किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर ये उचकाने की बात करते हैं, तो मैं उसको मानूंगा खड़गे जी अगर कोई अगर इसी बात आई है एक सेकंड विद अ हैवी हार्ट नो विद अ हैवी हार्ट एंड इन डीप पेन आई हैव बीन सफरिंग एक्यूजेशंस ऑफ सीवियरिटी होली अनफाउंडेड अ मेंबर ऑफ दिस हाउस श्री जयराम रमेश कॉल्ड मी अ चीयर लीडर कैन यू इमेजिन पेंडिंग वेन खड़गे जी ऑनरेबल मेंबर्स मार्क माई वर्ड्स वेन खड़गे जी सेड सो आई सेड फ्रॉम मी आई वॉज अघास्ट बट आई डिडंट वॉन्ट टू ब्रेक हिज फ्लो
Sir, I am taking cognizance of it for a very simple reason that I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you declined. If I write to you, you did not spare time for 4 months. Okay. But continue with your address, sir. I have taken cognizance of it. What is it? Continue. Okay, agar isse aapko hurt hua ya kuch meri galti ho gayi, to theek hai. Honorable members, I regret for that. Honorable members, we give quietness to it. The communication from the leader of opposition has touched my heart. We give quietness to it forever. We will not discuss it. Please, go ahead, sir. It's a good gesture, a gesture from a leader. Kya Nadda saab kab aaya aapko dhyan mein? To sir, janta dwara chuni gayi sarkare girane aur vidhayakon ko kharidne todne ka kaam kiya. ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या? आपने कितने सरकारें तोड़ी जहां हमारी मेजोरिटी थी? कर्नाटक तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, गोवा तोड़ा, मणिपुर तोड़ा, हर जगह तोड़ फोड़ की सरकार. और बाद में यहां तक सर इंडिया गठबंधन को दो मुख्यमंत्रियों को आप में जेल में डाला. हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन के कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है. और ये उनको कहा. और अगर कोई छुटके आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छुटके आए, फिर उसको दूसरे केस में फंसाए. क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई अरे तरीके हैं कि आपको उनको एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं. सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो फलाने के लिए. ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी. सर दूसरी बात, 10 साल के गठबंधन सरकार को गाली देते थे, मोदी साहब बोलते थे खिचड़ी सरकार है और ये कहते थे कि मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए. ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है. अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया. क्यों ऐसी बातें करते हो? घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है. अरे अब एनडीए सी सर, यहां तक भी उन्होंने कहा पीएम ने पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन को गाली देते हुए लड़ा, सही नाम लेने में भी नफरत दिखाई. अब आपकी गठबंधन की सरकार बनी है तो बताइए आपको हम क्या बोलना चाहिए? सर प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है. अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है. नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी,
बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा? आप बताइए, इसको कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल, तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहाँ बैठे यहाँ ये कहते हैं। अरे भाई, दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज़ को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, एनटीए को क्लीन चीट दी, पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, फजीहत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है वो बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है, ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं। कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं, और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे, मुझे मालूम नहीं। ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग है, आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर। हाँ, आप चर्चा कर रहे हैं, बेखूबी चर्चा कर रहे हैं, पूरे तरीके से कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा नहीं साहब, नहीं नहीं, कंट्राडिक्शन है। आप चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते ना, आपने ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ, उसके 2 दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवरअप का काम चल रहा है। पिछले अनेक सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो ये मामले रुकते। इसीलिए हमारी मांग है कि पेपर लीक और एनटीए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी शिक्षा की तंत्र पारदर्शिता होना। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर हुआ तो आगे के लिए भी अच्छा होगा, चाहे सरकार कौन सी भी हो। जब तक इसको रूल्स आप नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय उन पे होगा। एक सेकंड खड़गे जी, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का काम करने दीजिए, ये मेरी राय, वही करने दीजिए। ये देखिए, हमारी तो गुजारिश रहेगी कि जो 3 स्तंभ थे वो अपना अपना काम ही करें, एक दूसरे का काम नहीं करें। सर, मेरी बात से सहमत है ना? हर संस्था को अपना काम करना चाहिए।
देखो भाई, संसद अपने दायरे से बाहर जाती है, प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। सर यह सुझाव क्रांतिकारी है, इस पर ज्यादा विवेचन होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये मेरी विचार है, ये मेरा कहना है। आप अगर आपका कहना अलग है, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो देश में आजादी मिली, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक को बात करने की आजादी है, आपको भी है, मुझे भी है। मेरी बात का थोड़ा गौर कीजिए आज सोने से पहले। ओके सर, हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आजादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला IIT बना। UPA सरकार ने IIT और IIM सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आजाद फेलोशिप हमने शुरू की, कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मुझे मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहा सर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में BJP RSS के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, NCERT, CBSE सब में RSS का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, दिस पार्ट खुद मंत्री जी, खड़गे जी, दिस पार्ट भी नोट विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी, दिस पार्ट भी नोट गोन रिकॉर्ड। मैं कहूंगा सीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। देखो साहब, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे, नहीं 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 आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए, VC के कितने लोग हैं, किन किन जाति के लोग हैं, एक और प्रोफेसर किन जाति के हैं, एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, एक बार आप लाओ लिस्ट, एक बार स्थान ग्रहण कीजिए, कोई गरीब है उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए उसमें, स्थान ग्रहण कीजिए, पिछड़ा है उसमें, आप देखिए स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ, मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति RSS का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कॉम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूँ। ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण दिलाना नहीं चाहते,
दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते, और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा